भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हिरण्यकशिपु जय विजय भगवान के द्वारपाल वैकुंठ में द्वारपाल चला, चतुष्कुमार जखन वैकुंठ के दरवाजा पर गेलखिन जय विजय रोक दिलखिन। आ तेसर स्कंद में संवाद छे, तीनों गोटा में संवाद भले। अंत में नारायण भगवान विष्णु एला, भगवान विष्णु कहलखिन हमारी तीनों से कहा माफी कर दियो, अहां सब अंदर आओ, चतुष्कुमार के सेवा कलखिन। आई जय विजय के श्राप बैठक रहे जी, अहां सब हजार जन्म भक्त के लिया नहीं तो तीन जन्म असुर के लिया। तो जय विजय कॉल की जे तीन जन्म असुर को लोगे जल्दी वापिस आ जाए, तो कल यहां दिया। अब भगवान जय विजय की लीला कल की कैसे जखे धरातल पर भगवान अवतार ले चके तो उनका कोई टक्कर का शत्रु हो के चाहिए, कोई टक्कर दे वाला हिम्मत वाला पावरफुल शत्रु हो के चाहिए। जैसे अपना सब जगह जीव से भगवान की लड़ता, अपना सब कन्या खांसी भज तो प्राण निकल जाइए, भगवान अपना सब की लड़ता, अपना सब 200-300 किलो बेसी बेसी आदमी उठा लेके बॉडी बॉडी को, अब भगवान ही ब्रह्मांड ही ना उठो नहीं तो अपना सब ना भगवान पर के तो भगवान अपने धाम से ये दोनों बेटा का पठा दिया। तो हिरण्याक्ष धरती के धरती माता, ये संसार जैसे मेरु पर्वत के पास अनेक द्वीप छे, अनेक खंड छे, ब्राह्मण देवता सब यज्ञ के समय कहे थे जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भूखंडे मेरो दक्षिणे दिग भागे, जे अपन स्थान है श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे प्रथम पादे कलयुगे, सबटा स्थिति समय जगह सबटा बतल जाय छे। अनेक द्वीप में एकटा छे जम्बू द्वीप, ओहिमे अनेक वर्ष छे, ओहिमे छे एकटा भारत वर्ष, आ ओ भारत वर्ष में एकटा खंड छे भूखंड। तो भू माता ई भूखंड का शरीर धारण करे छे, हिरण्याक्ष उनका गर्भोदक ढकल दल के गर्भोदक समुद्र में। तो भगवान वराह रूप में आए, उनका अपन दोनों ये वराह मन शुकर रूप में आए, तो उनका दोनों जो टस्क कही तो नहीं इंग्लिश बोलता अपन भाषा में की कही थी दांत जगा जैसे कोई में भगवान उठा लेते हैं। ओकर बाद हिरण्याक्ष से युद्ध करके आ हिरण्याक्ष के मर दे। अब हिरण्याक्ष के मृत्यु भ गए तो केशव काने लगल, हिरण्याक्ष के कहीं ऋष भानु चल गए, वो आई पर काने लगे चूड़ी फोड़ लगे, हाँ हाँ हमार बहुत गलती मिले के मर दिल के वो है ना, हिरण्यकशिपु तो पहुंचता उनका पता चले जे विष्णु हमारा भय का मारा की ना, तो प्रण लेकिन जो हम विष्णु का जेते जे जे भक्त के सब तो मार दे। और की कहते थे वो तो जे कन्या सब करे चले उनका बुझन की, देखियो हिरण्यकशिपु साधारण व्यक्ति नहीं चला,
बड़ विद्वान चला उनका तत्व ज्ञान अगर आप सुन बनी रहेंगे कहां का लागत बाप रे बाप केहन बड़का विद्वान छे। गीता के पांच विषय मानल गए हमर पाचू गौरव ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म वापिस ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म अहां कहबे जे पगला गेला की वापिस वापिस जाय के छे अइ ले कहै छी जे जे ई पांचू चीज ठीक से बुझै छे ओ असली दार्शनिक छे ई पांच में एकोटा हा निकाल देबे तहां का दर्शन गड़बड़ा जाय जेना हिरण्यकशिपु ज्ञान देलखिन अरे अहां सब क्या कहि रहल छी जे गेले ओ आत्मा छे जे नीचा खसल छे जे शरीर छे शरीर ओहिना मुक्त छे अहां केकरा लेल कहि रहल छी बात सही छे आत्मा का ज्ञान देलखिन कोनो गलत नहीं दोसर ज्ञान देलखिन कर्म के प्रारब्ध तो कोई नहीं बैठ सके या जेकर नसीब में जे लिखल हेते से हे बेटा करते सही है कर्म का ज्ञान है वो काल का ज्ञान देलखिन तो कहलखिन जेकर काल आब गेले ओकरा कोई नहीं रोक सके छे वो सही छे अजीव का ज्ञान देलखिन काल का ज्ञान देलखिन प्रकृति का ज्ञान देलखिन वो कहलखिन कि संसार माया रूपी छे जना नदी बहे छे आ गाछ के जे परछाई छे से हिलय जका लगे छे लेकिन हिलय नहीं छे ओहिना आत्मा स्थित छे आई शरीर रूपी ओ पैग छोट बूढ़ जवान होइत रहे छे ते अहां चिंता ने करू बाबा जनी ले वो ईश्वर के बारे में किछ नहीं कहल कैसे हिरण्याक्ष के हत्या के किनारे रहे भगवान स्वयं किनारे रहे तो अहां तो पूरा ज्ञान है लेकिन ईश्वर से द्वेष है ता अहां असुर छी अहां के छी अच्छा कई गोटा के ईश्वर का ज्ञान छी ईश्वर छै सब का देखे वाला वह छै लेकिन अहां का जीव आ ईश्वर का संबंध नहीं बुझले अहां कहबे कि ईश्वर केवल हमर छै बाकी सब काफिर छै बाकी जीव काफिर छे मर जीव तो अहां का दर्शन गड़बड़ा दे अहां का दृष्टिकोण खराब है अहां को भी भगवान तो छे सबटा प्रकृति छे गाछे से ऑक्सीजन निकले छे नदी बहे छे वही सब ना सो खाई पिए छी तो प्रकृति सब कुछ छे भगवान नहीं छे थी तो सवाल हो गई छे जो गाछ एले को तो ईश्वर भी ही आ प्रकृति का लोग जबे या ईश्वर हित आ जीव का मारबे तो सबटा दर्शन गड़बड़ा आ के बुझे के चाहिए जे ईश्वर के कंट्रोल सब पर छे आपना सब जीव छी जेना आहा भगवान का प्रिय छिए ओइना सब भगवान का प्रिय छे क्यों एहन आदमी छे जेकरा भगवान खाई ले पिए ले नहीं देल की ना जे गरीबो से गरीब रही है ना भूखल कोई नहीं सुते छे भिखारी हो छे ट्रेन में आ देबे मोटा मोटा रहे छे आ के एको टा ऊपर भिखारी ने देखा आ कोनो हॉस्पिटल में चल जाओ 100 टा पेशेंट गिनू आ 100 छोड़ू आ 10 टा गिनू आ सब तो पूछियो जे आ के की रोग भेल 10 में से 9 गोटा के बेसी खेला का रोग छे शुगर बेसी खेला से होई छे डायबिटीज कैंसर सब बेसी खेला से पेट में गैस भेल तो नहीं खेलो तखे तो गैस भेल तो भूखले बहुत 10 में से 9 गोटा बेसी ओवर ईटिंग इंग्लिश में कहे छे जो ओवर ईटिंग इज द एक्चुअल कॉज ऑफ मेजर डिजीज अतः आई एक ता साइंटिस्ट जापान के साइंटिस्ट एक ता रिसर्च के लिए लेटेस्ट ओकरा अवार्ड भेट ले है वो कहल के जे 8 घंटा अगर आ शरीर के खेनाई नहीं देबे उपास करबे ता का शरीर में एहन एहन
तत्व तैयार भ जाए जे अहां का शरीर को कोनो रोग से बचा ले। अतः देखबे वैदिक प्रथा में जते महिला आदमी सब छला सब उपवास करे छला शास्त्र के प्रमाण से। श्रावण के महीना में उपवास भेले, चातुर्मास में उपवास भेले, अनेक तिथि शिवरात्रि में उपवास भेले, एकादशी को उपवास भेले, जन्माष्टमी को उपवास भेले, रामनवमी को उपवास भेले। आ महिला सब तो रहते छे गुरुवारी उपवास के लो तो सोमवारी उपवास के लो तो अतै कोई रोगी नहीं हुई। आप पिज्जा बर्गर तो मुंह बाहर गए तो खेबे तो पेट ना फूलते आप तो थोए भाण वो हॉस्पिटल में लो जाए काल में बड़का स्ट्रेचर लगी छे छोट से जहर गई ये ना मोट चली गई। आई हम सब पानी पूरी खेलो हम सब बहुत आभारी छी एकटा महात्मा हमरा सब को पानी पूरी गुरुकुल के बच्चा को बोल के गुरुकुल में तो आठ बच्चा थे सात छोटा एक कोई गई शाम प्रभु के लिए ताली बजे बना सब के लिए कीर्तन करे छे शाम प्रभु अपने मुंह पर का कथा करते हैं लेकिन इसे हम काम बेसी खाई से रोग तो पांचों दर्शन अहां ठीक से देखबे तो जीवन सही हो जाए। अहां सोचबे नहीं कर्म नहीं होई छे कर्म नहीं होई छे ईश्वर हम माने छे सब माने छे कर्म मर्म कुछ नहीं।